आज मैं बहुत ही चटपटी और तीखी रेसिपी लेके आई हूँ। झटपट बनने वाली, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। वो ये 3 आलू लिए मैंने ये अपने हिसाब से लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले लें। और अच्छे से धो लिए, 2-3 बार पानी में साफ धो लें इनको। और इस तरीके से मोटे मोटे पीसों में काट लें। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन जाती है। और ये नाश्ता सबको पसंद आने वाला है, बच्चों को भी और बड़ों को भी। इस तरीके से मैंने सारे आलू काट लिए हैं और एक बार और धो लूँगी मैंने काट के, धो के और एक टॉवल पे सुखा देंगे, इसका पानी मॉइस्चर ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद लिया मैंने कढ़ाई और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने ऑयल। और इस ऑयल गर्म हो चुका है और ये आलू डाल देंगे। हमने इनका छिलका नहीं उतारा है, आप देख रहे हैं। और इनको मैं फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करने हैं अच्छे से, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें, जिससे आलू पक भी जाए और कड़क भी हो जाए। इस तरीके से फ्राई करने हैं। शुरू में मीडियम रखें गैस, बाद में हाई फ्लेम कर दें, जिससे मतलब कड़कपन आ जाए आलू में। एक तरह की आलू की चाट है, बहुत जल्दी बन जाती है। और इसमें ज़्यादा मसाले वगैरह यूज़ नहीं करूँगी। और ये थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और 2 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक है, ये काट के रख देती हूँ। तो इधर आलू फ्राई हो चुके हैं, थोड़ा और कर लेते हैं और इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, आलू बिल्कुल कड़क और बिल्कुल फ्राई पक चुके हैं, अंदर से कच्चे नहीं हैं। और आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ, तोड़ के देख सकते हैं पक गए हैं आलू अंदर। और एक बॉल में निकाल लेंगे। और इसके बाद बनाऊंगी इसका एक मसाला। ये बॉल लिया है एक छोटा मैंने, और इसमें अमचूर पाउडर डाला है मैंने आधी चम्मच। और 1 चम्मच डालूंगी इसमें कश्मीरी मिर्च, आप तीखी भी डाल सकते हैं। और ये जीरा पाउडर लिया है मैंने भुना भुनाया, और काला नमक। बस यही मसाले डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। एक थोड़ा नमक और डाल देती हूँ सफ़ेद वाला, और इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये मसाला बन के तैयार है हमारा चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं, मैंने ऐसे ही तैयार कर लिया है। और इसको ऊपर से छिड़क देंगे और बॉल में अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है चाट। ऊपर से हरी मिर्च डाल दिए, थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा अदरक डाल दिया है मैंने काट के। और ये रेसिपी झटपट तैयार हो चुकी है और चटपटी है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। जैसे भुने आलू होते हैं ना, ऐसा ही स्वाद आएगा इसका। अगर बीच में बता देती हूँ, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, मिलती हूँ अगली रेसिपी में।